बच्चों आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज बैग छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। सही है भाई, आ जाओ। है भाई बच्चों तैयार हो जाएं, ताला खोल रहे हैं हम। ठीक है, सब पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह भाई वाह, मजे मजे का है। आज सुबह मम्मी बता रही हैं कि तीन तीन अंडे दिए हैं। अब्दुल कबीर क्या दिया है? अंडे दिए हैं। वो देखें, नजर आ रहे हैं आपको, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अभी जो है ना दोपहर के तकरीबन 2 बजे, ठीक है, तो नींद पूरी कर ली, जितनी कर सकते थे कर ली। अब बेगम ने उठाया, बोला भाई चलो तैयार हो जाओ, आपकी सालगिरह है, केक वेक का भी सीन है, ये वो सब कुछ, तो घर वालों की खुशी के लिए सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अब देखें मेरा बच्चा खुश होता है। हाँ, केक काटोगे अब्दुल कबीर? काटेगा। मेरा बच्चा खुश हो रहा है तो सही, मैं भी खुश हूँ भाई। चले आ जाए आ जाए आ जाए। इसमें सालगिरह तो है आज, देखिए मैं सोचा मैं कितने साल का हो गया। चले इस बात को यही दबा देते हैं, अभी बताना जरूरी नहीं है। अभी जो है ना केक के ऊपर फोकस करते हैं। सही है, अभी बाकी छोड़े कितने साल का होगा। ये बचपन की यादें ताज़ा हो गई। फर्स्ट आने में मुझे मिलती थी जेली, एक्चुअली इसको कस्टर्ड कहते हैं और इसको जो है ना जेली कहते हैं, लेकिन मैं पता है क्या कहता हूँ बचपन से, इसको जेली और इसको खट्टी वाली जेली। ये हम लोग नई नई चीज़ें जो है ना लेके आए। और आपको दिखाता हूँ केक, ये देखें भाई, हैप्पी बर्थडे मुस्तफ़ा। क्या बात है, क्या बात है। वैसे मैं बताऊं आप लोगों को, मैं मुझसे ना ज़्यादा केक नहीं खाया जाता। ये केक आता तो है लेकिन घर की जो खवातीन है ज़्यादा शौक से खाती हैं। बच्चे की खुशी के लिए कर रहे हैं तो फिर बच्चे से ही कटवाते हैं, ठीक है ना। बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। आगे क्या होता है? हैप्पी बर्थडे डियर मुस्तफा, हैप्पी बर्थडे टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज दोनों भाइयों ने जो है ना व्हाइट टॉप पहनी हुई है, ठीक है, और मेरे पास टॉप नहीं थी, वो गाड़ी में पड़ी हुई थी उस दिन वाली, तो मैंने शलवार कमीज पहन लिया। इसके बाद बैग खोलने का टाइम है भाई, बैग ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है अभी। सही है, इसके बाद ठीक है। ये देखें भाई क्या कारनामा किया है मोहम्मद अहमद ने, ये देखें। ये जो है ना बेगम की लिपस्टिक लेके आया है और लगा के अपने हाथ पे और मुंह पे भी लगा दी काफी सारी। ये देखें बेगम, ये सारे कारनामे हो रहे हैं। अरे वाह भाई वाह, ये जो है ना बैग खुलने वाला है, सारे बच्चे आ गए। आप लोगों के लिए कुछ लेके आया हूँ मैं, पता है कुछ लेके आया हूँ। खोले बैग, खोले हाँ। खोले हाँ। पक्की बात है हाँ। चलो ये कौन पानी उड़ा रहा है? अच्छा हाँ, तो आज हो रहे ना ने भी जो है ना तोप पहनी हुई हो आप। बच्चों आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज बैग तो आज बैग छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। सही है भाई, आ जाओ। चलो बाहर ले जाके खोलते हैं, बाहर ले जाके खोलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओए होए बैग तो भारी भारी हो रहा है। है भाई बच्चों तैयार हो जाएं, ताला खोल रहे हैं हम। ठीक है, सब पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह भाई वाह, खोलते हैं बच्चों। हाय हाय, अभी मोहम्मद अहमद को जो है ना बहुत मुश्किल से अंदर भेजा है, सही, वरना मोहम्मद अहमद बहुत तंग करता है। ये भाई हमने खोल दिया, ठीक है। अब मैंने जो है ना, क्यों ये देखें, ये टॉवल और एहराम वगैरह नजर आ रहा है ना, क्यों? क्योंकि कैन वैन फट ना जाए, इसीलिए जो है ना हर चीज को टेक्निकली डालना पड़ता है। एहराम के अंदर छुपाया हुआ है किस चीज को, ये देखें उरेला ने इशारा कर दिया, क्या नजर आ रहा है? ये सबसे पहले नजर आ गया भाई लोकर का जो है ना वेफर, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत जबरदस्त होते हैं, ठीक है। अब असल सीन स्टार्ट हो रहा है, ये देखें। घर वालों के लिए तो जो है ना इमलियां जो कि जरूरी होती है, ठीक है भाई, ये हमने अलग कर दी। और सबसे पहले ये क्या है? ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है, रानी है, और ये टमाटर के फ्लेवर का रानी है, ये टोमेटो फ्लेवर का रानी, ये हमने अब्दुल वासिद भाई को बुलाना है, एक अलग से इसलिए लिया था, ठीक है। अब ये आ गया है भाई बच्चों के लिए क्या? चॉकलेट न्यूटेला। क्या है? न्यूटेला है। ये लो आदिशा, ये आपका बेटा, ये और आपका है, ठीक है, सही बेटा, चलो ओके अल्लाह हाफिज। सही है भाई, अभी और सीन है बच्चों के लिए, ठीक है ना। क्या है? जूसेस है, बहुत सारे जूसेस है, बहुत सारे जूसेस। ये लीजिए आपका न्यूटेला। दूसरा पार्ट खुला, ओए होए, ये देखे भाई, रानी ही रानी। और ये मरिंडा सिट्रस, ये वीडियो बना रही मेरी बहन, सही है, तो ये मरिंडा सिट्रस जो है ना उसकी है, ठीक है। और ये रानी जूसेस आ गए, क्या आ गए बच्चों? रानी जूसेस आ गए इतने सारे, कौन पिएगा ये मरिंडा सिट्रस और रानी जूस? वाह भाई वाह, ये चेक करें आप, और मरिंडा सिट्रस। मैंने सोचा इस दफा और कुछ नहीं लेके जाऊंगा, जितने चीजें लेनी है सिर्फ जूसेस लेके जाऊंगा, बस खत्म। क्या हो सकता है इसके अंदर बताएं आप लोग? ये वो 47 दरम के चप्पल हैं। अब जो है ना सिर्फ ये सीन नहीं, अब सीन आपको एक और बताता हूं, बहुत बड़ा सीन है,
बहुत बहुत बड़ा सीन है। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे बैग में से कौन सा चॉकलेट निकला है भाई, कौन सा चॉकलेट है? अब जो है ना मैं आप लोगों को ऊपर लेके जा रहा हूँ छत पे, सही है। हमारे आने से पहले पहले हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज हमारे सऊदी भाई ने जो है ना यहाँ पे भेज दिया था, सही है। और उसका मुझे बाद में पता चला वो क्या था, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये चेक करें, यहाँ जो है ना हमारे लिए एक ऑलरेडी तोहफा सऊदीया से पहुंच चुका था, ठीक है। और ये क्या है जरा हम देखते हैं, ठीक है भाई, आप लोगों को बता दें। क्योंकि मैं वहां से अपने साथ जो है ना 5 किलो का एक अजवा का डब्बा लेके आया जो हमारे सऊदी भाई ने भिजवाया था, ठीक है, आप लोगों ने देखा था वीडियो में। लेकिन उससे कुछ दिन पहले हमारे सऊदी भाई ने बोला था कि हम आपके लिए सऊदीया से कोरियर करवा रहे हैं अजवा खजूर। और कितनी है, 29 किलो अजवा खजूर है भाई, चेक करें आप लोग लेवल। ये देखें भाई, इसमें से पहला डब्बा निकला, सही है। ओए होए, दूसरा डब्बा, ओ हो, ये गिर गई सारी। ये भाई ये तीसरा डब्बा था, ठीक है, ये खुल गया मुझसे। और इसका वो किधर है, कवर किधर है, फुल ऑफ फुल अजवा भरा हुआ, ठीक है। 3 डब्बे, 4, 5 और 6, ये 7 और ये 8 और ये 9 भाई, 9 डब्बे अजवा खजूर के यार। अच्छा, मैंने उनको ख्वाहिश जाहिर की थी कि यार एक आधा डब्बा जो है ना जरा अजवा खजूर का आप भिजवा दें, तो उन्होंने बोला कि एक आधा क्यों, एक डब्बा क्यों भेजना है भाई, इतने सारे भेजेंगे आपको। ये देखें माशाल्लाह अजवा, ये अजवा है, ये सारी जो है ना A1 क्वालिटी भाई। आप देखें इसका साइज देखें, ओहो माशाल्लाह जबरदस्त। तो ये है भाई सेटअप। ये देखें, अब जो है ना फैमिली में एक इजाफा हो गया है। मेरे पीठ पीछे मुझे पता भी नहीं था कि घर पे जो है ना डव आ गई, फाखते, 3-3 फाखते आ गए, ठीक है। ये देखें भाई, ये किसी ने हमें तोहफा दिया, सही है। और मजे की बात ये है कि मुझे कल परसों वाइफ ने बोला कि एक फाख, मतलब जो है ना इन्होंने अंडा भी दिया, ठीक है, लेकिन अंडा इन्होंने खुद ही तोड़ दिया। लेकिन आज सुबह अम्मी बता रही है कि 3-3 अंडे दिए हैं। अब्दुल कबीर क्या दिया है, अंडे दिए हैं, दिखाऊं आपको, इतने छोटे छोटे से अंडे। वो देखें वो बैठी हुई है अंडे के ऊपर, वो देखें छोटे छोटे अंडे। अब तो कभी एक में हटना, वो देखें नजर आ रहे हैं आपको, ये देखें, ये 2 अंडे तो नजर आ रहे हैं, है ना। तो ये इसने दिए हैं 2 अंडे और इसमें से निकलेंगे बच्चे अगर इन्होंने तोड़े नहीं तो, सही है ना। ये सिलसिला है अभी कभी, कैसी है ये फाख्ता, अच्छी है। हाँ भाई, अब जो है ना रानी जूस हो गया है ठंडा हो गया है। अब्दुल कबीर को जूस पीना था ठंडा के लिए, हमने अब मैंगो निपटाएंगे। यहाँ पे ओपन हो रहा है, क्या भाई इसका तो बात ये लग है इसकी। अब्दुल कबीर पहला घूट मैं पी लो, थैंक यू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ऐसा लग रहा है मुझे मैं कराची में हुई नहीं, दोबारा से चला गया वहां पे मदीने में। बैठो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक मैसे टर्न करो, अब पियो और फिर बताना कैसा है। मजे का है, वाओ, पियो। पीछे छोटा भाई भी आया है, यहाँ उम्मीदवार। हाँ उम्मीदवार, आप भी आयो। मसला एक ये है कि जैसे ही मैं वापस आया तो बेगम ने बताया कि ये देखें अब्दुल कबीर के हाथ पे एलर्जी हुई हुई है, ठीक है। पता नहीं कैमरे में नजर आएगा नहीं आएगा, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें बारीक बारीक जो है ना छोटे छोटे दाने टाइप के नजर आ रहे होंगे, थोड़ी हल्की फुल्की स्वेलिंग भी है। तो ये हाथ, दोनों हाथों के ऊपर भी हुई हुई है और इसको जो है ना जिस्म के ऊपर भी, बॉडी के ऊपर भी जो है थोड़ी सी खारिश वगैरह हो रही है। फेस सही है लेकिन फेस के ऊपर भी हल्का फुल्का मुझे कुछ जो है ना फील हो रहा है। तो अभी स्किन स्पेशलिस्ट तो मुझे कोई मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई स्किन स्पेशलिस्ट हो तो मेरी इस ईमेल आईडी के ऊपर प्लीज आप अपना जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा मुझे अब्दुल कबीर के लिए, जो है वो शायद पूछना पड़े। लेकिन अभी मैं फिलहाल जो है ना वो जो जेपी होते हैं, क्या बोलते हैं, जीपी, जो ओपीडी के अंदर बैठते हैं, तो मैं उनको जो है ना जरा जाके दिखाऊं कि भाई क्या सिलसिला है क्या नहीं। तो अब्दुल कबीर को मैं लेके जा रहा हूँ। मीनवाइल जो है ना मैं इफ्रा के घर पे भी जा रहा हूँ, सही है, क्योंकि ये अजवा मैंने निकालनी है, 2 थैलियां अजवा की और ये 1 इमली, ठीक है, वो देनी है। आमिर के लिए जो है ना सीन फुल हैवी है, ये देखें आमिर के लिए क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये 1 अजवा की थैली बना ली, ये दूसरी 2 अजवा की थैली बना ली, ये 4 अजवा की थैली बना ली, ठीक है। और फिर जो है ना ये रानी और जूसेस वगैरह हैं और इमली भी डाल देना इसके अंदर बेगम। तो हम जा रहे हैं जरा बांट के भी आते हैं, अब्दुल कबीर को डॉक्टर को भी दिखा के आते हैं, आ जाए आप। तो भाई आज जो है ना मैं फर्स्ट टाइम वो पिशावर वाले चप्पल पहना जो मुझे पिशावर से तोहफे में मिले थे, ठीक है। माशाल्लाह आज जो है ना फर्स्ट टाइम देखे मैंने वाइट शलवार कमीज के साथ जो है ना पिशावर चप्पल पहने हैं। भैया हमने पार्क कर दिया, सामने हॉस्पिटल है, चले अब्दुल कबीर, चले भाई।
चलें भाई, हो गया आ गए अब्दुल कभी, बैठो पाँव अंदर करो, बेटा पाँव अंदर करो, वेरी गुड भाई। ओपीडी में जो डॉक्टर बैठा हुआ था उसने कहा कि कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह आप जो रिजिक्स सिरप होता है ना एंटी एलर्जी होता है, बोला आप वो पिला दें इंशाल्लाह तो कोई मसला नहीं, ठीक है। और दूसरा ये है कि अब जो है वो रिजिक्स है घर पे हमारे पास, और अब जो है वो मैं आ गया इफ्रा के पास, इफ्रा को उसकी चीजें देनी है, ठीक है। अब उतरे मैं जो है ना गाड़ी पार्क करके आ रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इस गली के अंदर फुल है पार्किंग भाई, बिल्कुल भी पार्किंग नहीं, एक जगह मिली हमको लकीली। कहाँ जा रहे हो अब्दुल कबीर? किसके घर पे आए हम लोग? इफ्रा के। अस्सलामुअलैकुम इफ्रा, कैसी हो आप? कैसी हो आप बताओ मुझे, कि आप फार्म हाउस में मजा आया था आपको? दोबारा जाना है फार्म हाउस? जाना है दोबारा? हाँ। यार वैसे वाकई फार्म हाउस का मैं प्लान बना रहा हूँ इंशाल्लाह, लेकिन इस दफा मैं फ्रेंड्स के साथ जाऊंगा। नहीं। हाँ क्या खा रही हो ये बताओ? न्यूटेला। अच्छा लगा आपको? अच्छा आपने खोल भी दिया न्यूटेला, कैसा है टेस्ट? अच्छा आधा खत्म भी कर दिया, वाह भाई। तो आपको आपकी कैट की याद आती है? बहुत ज्यादा। दोबारा चाहिए कैट आपको? हाँ। है छुपा? हाँ। लोगी उसको अपने पास? हाँ। भाई ये देखें तकरीबन जो है ना कितने हफ्ते, 2-3 हफ्ते जो है ना इफ्रा के साथ जो है ना कैट रही थी, लेकिन वो बहुत मिस करती है इसको, और थी बड़ी जबरदस्त कैट। वैसे मैंने तो अभी तक जो है ना टेस्ट भी नहीं किया, मुझे टेस्ट कराओ जरा न्यूटेला कैसा है, जरा हम भी देखें। एंजॉय करो, एंजॉय करो। नहीं भाई अब हम यहाँ से निकल गए हैं इफ्रा के घर से, अब हम जा रहे हैं आमिर को देने के लिए उसका सामान, ठीक है। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद बोलो अप्पा, अप्पा। चलो भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आप बराबर में रहते हैं इनके? दी दी। अच्छा भाई ये इफ्रा के नेबर हैं। मोबाइल लेके आए, पिक्चर लेनी है? क्या बात है जी। हाँ बस मैं भी आया हूँ ना कल। आमिर भाई आपका जो है ना हदिया लेके आ गया हूँ मैं। किधर है? किधर है? मैं धोराजी में हूँ। ओके ओके भाई आ जाओ, आ जाओ। ओके ओके भाई, आमिर भाई भी आ रहे हैं नीचे, उनके घर के नीचे हम जा रहे हैं, उनको उनकी चीजें हम हैंडओवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि कल से जितने काम आएंगे ना सर के ऊपर भाई जान किसी चीज का टाइम नहीं मिलेगा, किसी चीज का। चले भाई ये हमारा जो है ना आखिरी डिलीवरी पॉइंट है भाई, सही है, आज जितने भी फूड डिलीवर करने थे हमने कर दिए। आमिर भाई अभी तक आए नहीं है, नीचे आने वाले होंगे। अच्छा मैं तो आमिर भाई का इंतजार कर रहा था कि आमिर भाई वहां से आएंगे, लेकिन आमिर भाई यहां से निकले कहीं से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जान, कैसे हैं? हाँ ये आपका जो है ना फूड पांडा से डिलीवरी आपकी भाई, ठीक है भाई। भाई अब सारे काम हमारे जो है ना हो गए हैं, अब हम लोग जो है ना घर जा रहे हैं, ठीक है भाई। रात के बज रहे हैं 10:45, ठीक है। मोहम्मद अहमद को सुला दिया है बेगम ने, अब्दुल कबीर को जो है ना प्रोसेस के अंदर है, अब्दुल कबीर जो है वो सो रहा है, ठीक है। और आज का दिन जो है ना हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया, आराम किया, सही, कहीं बाहर आगे पीछे नहीं गए, क्योंकि सिग्नल्स भी बनते हैं आज के दिन में, और फिर जो है ना जुलूस वगैरह की वजह से जो है वो यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैफिक वगैरह के भी जो है ना मामला होते हैं, इसीलिए हमने बोला कि आज का दिन जो है घर पे ही रहते, ठीक है। तो कल से बहुत सारे काम भी आ जाएंगे, और कल से फिर हम जो है वो बाहर भी निकलेंगे इंशाल्लाह। तो ये सीन है। बेगम अभी जो है ना कुछ कर रही है, क्या कर रही है बेगम? मोबाइल में चेक कर रही है, क्या कर रही है? क्या क्या कुछ ऑर्डर ऑर्डर किया आपने? क्या बात है भाई, बेगम को क्रेविंग हो रही थी, फूड पांडा मंगा लिया, रोल छोल मंगाया है, तो अभी बस बेगम का रोल आता है, तो फिर जरा हम उसको भी जो है ना चखते हैं भाई। फुल हॉन्टेड माहौल बना हुआ है, और मैं जा रहा हूँ रोल रिसीव करने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, कितना मिले? ये लीजिए, ठीक है जी, थैंक यू। देखो अभी मम्मा को दे दो, सही है, चलो जी। आप भी लाइन में बैठे हैं भाई? आप भी बैठे हो लाइन में? पाँव बांधो बेटा, पाँव बांधो, वेरी गुड जी जी, पाँव बांध लो, वेरी गुड। बिस्मिल्लाह, मैंने अपने हाथ से ही खिला दो, देख दिल तो कह रहा था और बढ़ाने वाला खींचू, नहीं तुमने भी उंगली फंसा के रखी हुई थी। कैसी कोई बात नहीं, सही है रोल, ओके है। तो भाई इसी के साथ इजाजत दें, कल सुबह के लिए बहुत काम है। कल सुबह क्या काम है? सबसे ज्यादा जरूरी तो काम यह है कि मुझे अपना यूके के लिए जो है पासपोर्ट सबमिट करने के लिए जाना है, ओके, सुबह सुबह वहां जाना बेगम, सुबह जल्दी उठा देना, ठीक है। दूसरा काम यह कि मेरे छोटे बेटे का, मोहम्मद अहमद का, जो कि ये सोया हुआ है बराबर में, ठीक है, तो उसका जो है ना पासपोर्ट लेने के लिए जाना है, सही है। और इसके अलावा भी कुछ काम है, वो मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ठीक है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बाय द वे एक और चीज आप लोगों को बताना भूल गया, और अगर ये मैं आप लोगों को नहीं बताता ना तो मुझे अभी पढ़ने थे डंडे, ठीक है। तो बेगम ने आज जो है ना मेरी सालगिरह में जो भी एहतमाम किया था, जो भी चीजें बनाई थी बहुत अच्छी थी, और फहीता राइस जो बनाया था ना, बहुत जबरदस्त था, बहुत जबरदस्त था, लेकिन खत्म हो गया था जल्दी, इसीलिए जो है ना अभी हमें फूड पांडा का रोल मंगाना पड़ा भाई, ठीक है। चले आप मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।